गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ेंगे। हम कल एक्सरसाइज नंबर 3 तक चैप्टर नंबर 2 की सोल्व कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे रिवीजन के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 4। वाक्यानि शुद्धं कुरुत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। युवां भ्रमणाय अगच्छताम, अब हमें वाक्य शुद्ध करने होते हैं। अब सिर्फ हमें या तो कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है, कर्ता और क्रिया। अब हमारी क्रिया है, जैसे मान लीजिए अगच्छताम, तो क्या यह अगच्छताम इस युवाम के अकॉर्डिंग लगी हुई है? यदि नहीं है तो हमें इस युवाम को देखना है कि युवाम का पुरुष और वचन, युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन और क्रिया लगी हुई है यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन की, इसलिए हमें युवाम के अनुसार हमें यहाँ क्रिया लगानी है मध्यम पुरुष द्विवचन की। तो वह लगेगी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी अगच्छतम। हमें नकार चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें उसका पुरुष और वचन मिलान करना है कर्ता के अकॉर्डिंग। युवाम भ्रमणाय अगच्छतम, तुम सब घूमने के लिए गए, सॉरी युवाम तुम दोनों घूमने के लिए गए। बालकः अध्यापकम् अनमन, बालक एक वचन का है प्रथम पुरुष का और यहाँ क्रिया लगाई गई है बहुवचन की, इसलिए हम बालकः के अनुसार जब एक वचन की क्रिया लगाते हैं प्रथम पुरुष की तो वह लगती है अनमत। बालकः अध्यापकम् अनमत, त्वं पुस्तकम् आनयत, तुम पुस्तक, अब यहाँ पे त्वं जो है मध्यम पुरुष का है और एकवचन और यहाँ क्रिया लगाई गई है प्रथम पुरुष एकवचन की, तो हमें मध्यम पुरुष एकवचन की ही क्रिया लगानी है, तो यह बन जाएगा आनयः। त्वं पुस्तकम् आनयः, तुमने पुस्तक, तुम पुस्तक ले गए। सैनिकाः युद्धक्षेत्रे आगच्छन्, यह जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। सैनिका हाँ बहुवचन है प्रथम पुरुष का और क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगी हुई है। सैनिक युद्ध क्षेत्र में गए तो यह जो का त्यों रहेगा। तो प्रातः उद्याने आगमतम, वे दोनों प्रातः बगीचे में घूमे, ये अर्थ होना चाहिए। और ये तो जो है यह प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है और यह प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया नहीं लगी हुई है, यह लगी हुई है मध्यम पुरुष द्विवचन की, इसलिए हम तो के अनुसार लगाएंगे तो लगेगी अभ्रमताम। तो प्रातः उद्याने अभ्रमताम, वे दोनों सुबह बगीचे में घूमे। वयं भोजनम अखादम, हम सब ने भोजन खाया या किया। अब वयम जो है यह उत्तम पुरुष बहुवचन का है और क्रिया यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन की लगी हुई, एक वचन की लगी हुई है, तो हमें इसको बहुवचन की करना है तो बनेगी अखादाम, आ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। छह सुदह भोजनम अपचतम, सुदह भोजनम अपचतम, यह जो सुदह है यह एक वचन प्रथम पुरुष का है, यहाँ पर एक वचन प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं लगी हुई है मध्यम पुरुष द्विवचन की लगी है, तो हम यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा अपचक, सुध ने भोजन खाया। कन्ये तरण नाले अतरत, कन्ये जो है यह प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है और यहाँ पर द्विवचन की नहीं लगी हुई है, यह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, तो यहाँ लगेगा ताम लगेगा, तो यहाँ बन जाएगा कन्ये तरण नाले अतरताम। तो इस प्रकार से हमने अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया उनके कर्ता को देखकर। एक्सरसाइज 5, निम्न वाक्यानाम परिवर्तनम भूतकाले कुरुत, निम्न वाक्यों का परिवर्तन भूतकाल में कीजिए। क यूयम अध्यापकम नमत, तुम सब ने अध्यापक को नमस्कार किया। अब क्या करना है, यह भूतकाल जो इसमें आपको भूतकाल में बदलना है, तुम सब अध्यापक को नमस्कार करते हो, यह लट लकाती क्रिया है, तो सिर्फ हमें क्रिया ही बदलनी है, उसका वचन पुरुष वही रहेगा। अब हमें जब भूतकाल में कोई वाक्य परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो सिर्फ हमें क्रिया का वचन पुरुष देखकर उसी वचन और उसी पुरुष का हमें भूतकाल का बना लेना है, भूतकाल में बदलने की कहा तो भूतकाल का बनाएंगे। यूयम अध्यापकम वैसा का वैसे रहेगा। अब ये जो नमत है यह बनता है सी ठ, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन
का लट लकार का है, तो हमें मध्यम पुरुष बहुवचन का ही भूतकाल का बनाना है, तो बन जाएगा यह अनमत। उसका बनता है विसर्ग तम त, तो ये त लगा। सह जलम पाश्यति, यह मृत लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का क्रिया शब्द है, तो यह बनेगा। अब हम मध्यम पुरुष का एक वचन का बनाना है प्रथम पुरुष के लिए, सॉरी कि वह प्रथम पुरुष एक वचन का भूतकाल का बनेगा अपिबत। सह जलम अपिबत, उसने जल पिया। आवाम तत्र न गच्छावः, तो ये गच्छावः प्रथम पुरुष द्विवचन का है, वो लकार है लट लकार, हमें तो सिर्फ भूतकाल का ही बनाना है, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन में बनेगा अगच्छाव। ते इच्छुकेभ्यः वस्त्राणि यच्छन्ति, यच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है, और हमें प्रथम पुरुष बहुवचन का भूतकाल का क्रियापद बना देना है, तो बन जाएगा अयच्छन। ते इच्छुकेभ्यः वस्त्राणि अयच्छन्। कन्ये चित्राणि पश्यतः, पश्यतः, तो यह पश्यतः द्विवचन का है, इसलिए हमें भूतकाल का भी प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रियापद बनाना है, बन जाएगा अपश्यताम। कन्ये चित्राणि अपश्यताम, अहम ग्रहं गमिष्यामि, गमिष्यामि द्विलकार प्रथम पुरुष एकवचन का क्रिया शब्द है, अहम ग्रहम, और यह बनेगा एकवचन में अम, तो ये आगच्छम बनेगा, अहम ग्रहम आगच्छम। त्वम किम करोषि, त्वम किम, ओ करोषि मध्यम पुरुष एकवचन का है, यह बनेगा त्वम किम अकुरुहु। वयम पुस्तकम पठामः, मध्यम पुरुष बहुवचन का, सॉरी उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो हम बनाएंगे उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रियापद बनेगा भूतकाल में पठाम। तो यदि हमें जब लकार चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो सिर्फ हमें उसका एक क्रियापद का हमें वचन और पुरुष देखकर हमें उसी वचन और उसी पुरुष का हमें प्रत्यय चिन्ह यूज करते हुए हमें क्रियापद लगाना होता है। छात्रों, आज हमारी एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। पुनः हम चैप्टर नंबर 3 लोट लकार का रिवीजन करने के लिए पुनः आपसे मिलते हैं। आप यूटी के चैप्टर्स का जो भी आपके आने वाले हैं यूटी में, उन सभी चैप्टर्स का आप रिवीजन लगाएं। धन्यवाद।